Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to start my new topic, that is differentiation. Differentiation kya hota hai? Basically differentiation is a process to find the rate of change. Differentiation is a process to find the rate of change. And what is the rate of change? Let suppose y equal to fx. हमने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स वेयर x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स. अगर हम x में कुछ चेंजेस करें तो उसी के सापेक्ष हमारा y भी चेंज होगा. क्यों? क्योंकि y हमारा एफ एक्स पर डिपेंड कर रहा है. इट मीन्स कि रेट ऑफ चेंज किस परसेंट के हिसाब से रेट ऑफ चेंज होगा, कि अगर एक्स में हम चेंज करें तो उसी के सापेक्ष हमारा वाई में चेंज होगा. तो हम इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, चेंजेस इन वाई ड्यू टू चेंजेस इन एक्स. चेंजेस इन वाई ड्यू टू चेंजेस इन एक्स, डैट मीन्स डेल वाई बाई डेल एक्स. इसी तरह से हम लिख सकते हैं चेंज भी हो सकती वेरिएबल्स, चेंजेस इन एक्स उसका उल्टा हो जाए, चेंजेस इन एक्स ड्यू टू चेंजेस इन वाई. तो इसे हम लिख सकते हैं डेल एक्स वाई डेल वाई. डेल एक्स और डेल वाई क्या है? डेल एक्स इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड डेल वाई इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई. So in mathematically del y by del x, in mathematically del y by del x, if we have to take limit delta tends to 0, then this quantity should be right now dy by dx. अगर delta x को हम बहुत ही minute ले लें, tends to 0 ले लें, मतलब increment बहुत ही छोटा ले लें, tends to 0 ले लें, तो ये जो क्वांटिटी होती है इसको हम dy by dx लिख सकते हैं. इसी तरीके से जो ये क्वांटिटी थी आपकी डेल एक्स वाई डेल वाई, डेल एक्स वाई डेल वाई, इसको भी अगर हम लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो ले लें तो इसको भी हम dx by dy लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंशिएशन दे रखी है. डिफरेंशिएशन इज़ अ टूल ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग रेट्स ऑफ चेंज. इन अदर वर्ड्स डिफरेंशिएशन इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसी के आगे हमने आपको बताया है इफ एफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स देन दिस क्वान्टिटी इज नोन एज लिमिट डेल्टा टेंस टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स. ये जो इसकी क्वांटिटी की वैल्यू है दिस. इफ़ इट लिमिट इज एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वी कैन राइट नाउ डिफरेंशियल, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशेंट और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इट मीन्स नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई और डिपेंड अपॉन कि किसके सापेक्ष में आपसे पूछा जा रहा है, आप वहाँ पे उस वेरिएबल को भी ले सकते हैं. नाउ अब वहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको पूछा जाएगा, कुछ आप क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, फंक्शन दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इसका डिफरेंशियल या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए या फिर डेरिवेटिव निकालिए. तो सबसे पहले निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको याद कर रखना पड़ेगा. तो पहला फॉर्मूला है इसमें आपका सम इम्पॉर्टेंट बेसिक रिजल्ट. तो इसमें पहला है जो आपका डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, इसकी वैल्यू क्या होती है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन. दूसरा है हमारा डी बाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू वन, यानी कि अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वन होगी. इसको आप इसकी हेल्प से निकाल भी सकते हैं.
कैसे निकलेगा? आपने देखा कि हमको इसका निकालना है, तो यहाँ पावर कितनी है? हेयर पावर इज 1, तो इसको हम इससे लिखें 1 इंटू एक्स और फिर 1 माइनस 1, तो दिस वन इज 1 इंटू एक्स की पावर 0, दिस वन इज 1। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू शुड बी 1 होती है, इट्स 1। नाउ थर्ड वन इज डी वाई बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमेशा 0 होता है, चाहे वो सी हो, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल हो। या डी वाई बाई डी एक्स 7 का निकालें तो वो 0 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1 का निकालें तो वो भी 0 होगा, डी वाई बाई डी एक्स ए का निकालें तो वो भी 0 होगा। चाहे कोई भी क्वांटिटी अगर आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। नाउ फोर्थ वन इज डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ ई 1 बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स 1 बाई लॉग ऑफ एक्स बेस ऑफ ई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। और नेक्स्ट वन इज यहीं पे एक और हम पढ़ लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ऑफ ए, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन एक्स लॉग ई ए। नेक्स्ट वन इज डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। डी वाई बाई डी एक्स अगर हम ए की पावर एक्स का निकालें तो दिस वन इज ए की पावर एक्स लॉग ई ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू होती है कॉस ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स की वैल्यू होती है माइनस ऑफ साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स। ये बहुत छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। डी वाई बाई डी एक्स कॉट एक्स की वैल्यू होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स की वैल्यू होती है सेक एक्स टेन एक्स, और इसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स कोसेक एक्स की वैल्यू होती है माइनस कोसेक एक्स कॉट ऑफ एक्स। क्लियर? अब इन्हीं फॉर्मुलों का हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ और पढ़ना है कि रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन, उनको आपको ध्यान रखना। तो देखिए, दो तो बहुत कॉमन रूल हैं कि अगर u प्लस वी है, वेयर व्हाट इज़ द u और वी, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x। अगर हम u प्लस वी का निकालते हैं तो ये देखिए अलग अलग हो जाता है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसी तरह से अगर माइनस में करें तो du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। बट अगर हम बात करें uv की, तो यहाँ पर देखिए अगर uv फंक्शन दो फंक्शन हैं और वो अगर मल्टीप्लाई में हैं तो हम क्या करेंगे, u फर्स्ट फंक्शन फिर बाहर u ले लेंगे। मान लीजिए ये दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड वन फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन फिर dv बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस v du बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। इसी तरह से हम बात करें, आप ये दो फॉर्मूले देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही पूछे जाते हैं जगह जगह पर। तो दिस वन इज सेकेंड वन इज आपका है, आई रिपीट अगेन फिर से, डी बाई बाई डी एक्स यू वी का अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यू डी वी बाई डी एक्स, मतलब अगर आपका मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकेंड फंक्शन है तो आप लिखेंगे यू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ वन फॉर्मूला, अगर यू और वी क्वेश्चन फॉर्म में हैं तो आप इसे कैसे करेंगे, तो जो नीचे वाला होता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, फिर नीचे वाला प्लस डेरिवेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ डी वी बाई डी एक्स। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि बिना इनके आप डिफरेंशिएशन में जगह जगह हमको इनका यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जिनके आपको डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, और इनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको इन फॉर्मूलों की मदद लगेगी, इसलिए आपको इन फॉर्मूलों को याद करके रखना है। नाउ पहला फर्स्ट वन, यहाँ पर आप देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हम करते हैं इसे। नाउ फर्स्ट वन इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सिक्स एक्स क्यूब, यहाँ पर मैंने नीचे थोड़ा सी जगह ले रखी है ताकि मैं आपको क्वेश्चन यहीं पर करके दिखाऊंगी। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सिक्स एक्स क्यूब आपको निकालना है, तो आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है सिक्स एक्स क्यूब।
क्यूब का। तो जब भी इस तरह का होता है कि हमें डेरिवेटिव निकालना होता है सिक्स एक्स क्यूब का, तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं, सिक्स को हम बाहर ले लेंगे, एंड दिस कैन बी राइट नाउ डी वाई बाई डी एक्स एक्स ऑफ क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स एक्स ऑफ क्यूब। अब हम क्या करेंगे, दिस वन इज सिक्स, सिक्स को बाहर ले लेंगे और इस एक्स क्यूब का हम करेंगे। अब आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है एक्स की पावर एन का क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई और एक्स की पावर जो पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है, तो थ्री माइनस वन यानी कि टू। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा एटीन एक्स स्क्वायर। दिस क्वेश्चन इज आंसर इज एटीन एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर हुआ आपको। नाउ सेकेंड वन इज, नाउ सेकेंड वन इज, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा डी वाई बाई डी एक्स सेवन ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सेवन ऑफ एक्स। अब इसको हम करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स सेवन ऑफ एक्स, ये तो बहुत ही आसान है, फिर वैसे ही है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन है आपका, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, जो आप पहले भी पढ़ चुके, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सेवन। नाउ नेक्स्ट वन इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एट। अभी मैंने बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ले रखे हैं ताकि आपको इजीली वे में समझ में आए कि कैसे इसे किया जा सकता है। अब एट है, एट इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज डी वाई बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स। देखिए मैंने इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसलिए ले रखे हैं ताकि जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता है मैथ्स, जिसने कभी मैथ्स पढ़ी भी नहीं है और वो उसको किन्हीं कारणवश उसको पढ़नी पड़ रही है, तो वो बहुत ही इजीली वे में चीज़ों को समझ सकता है छोटे छोटे से क्वेश्चन लगा कर। पहले छोटे छोटे से क्वेश्चन लगाइए, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन पर आइए। तो डी वाई बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स को अगर हम लगाएंगे तो इसका क्या होगा, आपको इसे लिखना होगा डी वाई बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ। अब आपका फिर देखिए वैसे फॉर्मूला बन गया है, एक्स की पावर एन के फॉर्म में बन गया है, ये एन आगे आ जाएगा यानी कि वन बाई टू आगे आ जाएगा, और उसके बाद एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स की पावर हाफ का डी वाई बाई डी एक्स अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस वन, तो ये हो जाएगा हाफ एक्स की पावर माइनस ऑफ हाफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ एक्स की पावर माइनस ऑफ हाफ, अब इस एक्स की पावर माइनस हाफ को हम नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा वन बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू, ठीक है। और इसको हम और सिंप्लीफाई लिखें तो हम लिख सकते हैं वन बाई टू रूट ऑफ एक्स। नाउ आंसर इज डी बाई बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, टू रूट ऑफ वन बाई टू रूट ऑफ एक्स। नाउ थर्ड, नाउ ई हमारा है डी बाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 27। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आपके रूल के ऊपर है, जब मैंने आपको बताया था यू माइनस वी, तो ये आपका यू ये आपका वी है मान लीजिए, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन करके अगर हम इसे लिखें तो डी बाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई बाई डी एक्स 27। अब डी बाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब को अगर हम करेंगे तो फिर आपके एक्स की पावर एन है, तो एक्स की पावर एन में क्या होता है, थ्री एक्स थ्री माइनस वन यानी कि टू, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर। और दिस इज योर कांस्टेंट, और कांस्टेंट के डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर आपका आ गया थ्री एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट वन इज डी बाई बाई डी एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर, तो डी बाई बाई डी एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर, तो इससे आप क्या करें, पहले इसे ऊपर लेते जाएं, डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस टू लिख लीजिए। जब एक्स की पावर माइनस टू आपने लिखा तो आप देखिए फिर आपका एक्स की पावर माइनस एन के फॉर्म में बन गया, यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ टू है, तो अब एन क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो माइनस टू बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू फिर माइनस वन, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस टू एक्स की पावर माइनस ऑफ क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स की पावर क्यूब, पॉजिटिव कर लीजिए नीचे ले आइए ऐसे। नाउ लास्ट वन इज डी बाई बाई डी एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब इसे हम सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका है आप इस x माइनस वन को पूरे को u मान लीजिए और इसको पूरे को v मान लीजिए, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने रूल बताया था उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम x माइनस वन x माइनस टू को पहले ही मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद एक इक्वेशन फॉर्म में निकाल लें और देन उसके बाद dy बाई dx हम इसे अप्लाई कर दें। तो हम दोनों ही तरीके करते हैं। तो पहला तरीका हम करेंगे कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो x माइनस वन और x माइनस टू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को माइनस टू से करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा, माइनस वन को x से करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, और माइनस वन को माइनस टू से करेंगे तो प्लस का टू आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी। अब इस पर हम डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। आप इसको सॉल्व करिए तो ये डी वाई डी एक्स आप इसको ओपन कर दीजिए, दिस इज़ यू माइनस वी प्लस जेड, आप मान लीजिए इसको ओपन कर दीजिए तो ये डी वाई डी एक्स स्क्वायर का कितना होगा, डी वाई डी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू ऑफ एक्स माइनस थ्री डी वाई डी एक्स यानी कि वन प्लस आपका टू आ रहा था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो योर आंसर इज टू एक्स माइनस थ्री। नाउ अब मैं सेकेंड मेथड करती हूँ। सेकेंड मेथड क्या था कि इसको अगर हम यू मान लें, इसको यू मान लें, इसको वी मान लें, तो क्या था एक्स यू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वन को तो बार ऐसे ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, उसके बाद dy बाई डी एक्स एक्स माइनस टू को करेंगे तो ये u माइनस वी वाला रूल अप्लाई करेंगे, तो dy बाई डी एक्स एक्स का करेंगे तो वन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस टू का करेंगे तो इसकी चूंकि टू कांस्टेंट है ये आपका जीरो दे देगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई आपकी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए x माइनस टू बाहर है, बाहर ही रहेगा, इंटू डी बाई डी एक्स माइनस वन है तो डी बाई डी एक्स एक्स का करते हैं, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि सेम फंक्शन का अगर होता है जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा होता है तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगी, माइनस वन का करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से भी वैल्यू हमारी वन आ जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू ये बचा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी वन थी, इसकी वैल्यू भी वन, और वन को वन से मल्टीप्लाई, वन से इससे किसी भी क्वान्टिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सेम क्वान्टिटी आ जाएगी। अब आप अगर इसको देखिए तो x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस वन और माइनस टू को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो जो आपका आंसर पहले से आया था पहले मेथड से उसी से आपका दूसरा भी आंसर आपका निकल आया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक में इसके और कुछ रूल्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम एंड अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।